आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। कोरोना काल में सेवा देने वाले जाबाज पुलिस कर्मियों का किया मानव अधिकार संरक्षण परिषद ने सम्मान। इस कार्यक्रम में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया जा रहा है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा देने वाले सिरोंज के सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर SDOP रोहित लखारे, थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी सहित सभी पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। सम्मान करने वालों में मानव अधिकार संरक्षण परिषद के मध्य प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बोध, वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन, अवध नारायण श्रीवास्तव, भरतदीप मेहता, सिरोंज मुस्लिम महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ खान, अतीक मंसूरी, शैलेंद्र रघुवंशी, चेतन पंती, रवि विश्वकर्मा, अलीम पत्रकार और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भैया एक अच्छा फोटो ले ले यार प्लीज। कोरोना से गुजर रहा है और भारत में भी काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है, सिरोंज तहसील में भी हमने काफ़ी इसका प्रभाव देखा है और झेला है। मैं स्वयं कोरोना से पीड़ित रहा हूँ और उससे अब उभर कर मैं अच्छा स्वस्थ हो चुका हूँ पूर्ण रूप से, और हमारे इन प्रयासों को हमारे जो भी हमने प्रयास किए थे कोरोना से निपटने के लिए, तो उस संबंध में मानव अधिकार संरक्षण परिषद द्वारा मुझे एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है और मैं अपना काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और SDOP साहब का भी हमने सम्मान किया है। मानव अधिकार संरक्षण परिषद सामाजिक संस्था है, इसके माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में सारे पुलिस थानों में जा रहे हैं, हर पुलिस थाने में जाके सम्मान करेंगे। इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज स्टाफ है और सफाई कर्मचारी हैं और पत्रकार बंधु हैं, जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने भी कम योगदान नहीं दिया। हम अलग से एक कार्यक्रम बड़े स्तर पर रखेंगे और सिरोंज के पत्रकारों का पृथक से सम्मान करेंगे, हॉस्पिटल के कर्मचारियों का करेंगे, डॉक्टर्स का करेंगे, सफाई कर्मचारियों का करेंगे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएँ दी हैं। और मैं हृदय से सभी देशवासियों का आभारी हूं, पुलिसकर्मियों का आभारी हूं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, कईयों की तो जानें चली गई, कई TI, कई वरिष्ठ अधिकारी, SDOP, हम अखबारों में पढ़ते थे, सुनते थे, तकलीफ़ होती थी लेकिन मन महसूस कर रह जाते थे कि अरे हमारा एक गौतम साहब मेरे बहुत प्रिय थे जो SDOP भोपाल में थे और वो कोरोना के कारण चले गए। जब विदिशा में वो SI थे तब मेरे बड़े अच्छे संबंध उनसे हुआ करते थे, यहीं से उनकी भर्ती हुई थी तो मैंने देखा था, ऐसा बहुत तकलीफ़ हमारे उससे गुजरी है। आज हमने जो कार्यक्रम किया है उत्साहवर्धन के लिए, भगवान ना करे कि हमारे देश को फिर कोई विपत्ति आए, और इन साथियों ने जो जान जोखिम में डालकर अपना काम किया, TI साहब सहृदयता से कह रहे हैं ये हमारा कर्तव्य था, जो TI साहब कह रहे हैं हमारे दांगी जी वो कह रहे हैं ये तो हमारा कर्तव्य था और आगे भी हम करेंगे। ऐसे ही जाबाज साथियों की हमारे देश को, हमारे शहर को ज़रूरत है और हमने जो सम्मान किया है, हम तो ये मानते हैं कि हमने इनका सम्मान ही नहीं किया, हम तो खुद ही सम्मानित हो रहे हैं इनके बहाने से कि एक अच्छे लोगों के पास बैठने का हमारी संस्था के पदाधिकारियों को मौका मिल रहा है। इनका उत्साह विभूति के रूप में, बड़े संत के रूप में समाज की सेवा कर सकें, उनको मानव जीवन पुनः प्राप्त हो और वो वाकई में कोई बड़ी दिवंगत आत्माएं रहे होंगे जिन्होंने अपना जीवन पुलिस अधिकारी बतौर रहते हुए, करीब ऐसे 7-8 साथी हमारे हैं, हमसे कुछ सीनियर हैं, कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमसे जूनियर हैं, उनने इस युद्ध में अपने प्राण आहुति पर चढ़ा दिए। चंद लोगों के नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूँ, लिस्ट लंबी है, तो उसमें हमारे ही बैच के हो, मेरे प्रिय भाई देवेंद्र चंद्रवंशी साहब, वो इंदौर में सबसे पहले, मध्य प्रदेश के सबसे पहले पीड़ित हुए थे कोरोना से और उन्होंने ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव होते हुए अपने प्राण ने उछावर कर दिए, ड्यूटी करते रहे, तो मेरा उन सभी महान आत्माओं को नमन। इसके बाद आज जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम से हम लोगों को एक उत्साहवर्धन मिलता है, हम लोगों को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, हम लोगों को कार्य करने की स्फूर्ति मिलती है। इस वक्त में जब हमने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिनके पास 5-5 बालक हैं और 3-3 दिन से खाना नहीं खाया है, जब उनको ड्राई राशन उपलब्ध कराया जाता था, तो हृदय विदारक घटनाएं होती थी। ये हो सकता है हमारे एक व्यक्ति के पास ना पहुंच पाए, हो सकता है हम हर एक
ऐसे आवश्यक जिसको आवश्यकता महसूस हो उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाएँ, उस समय में सुभाष भाई और ऐसी सामाजिक संस्थाओं ने हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। ये लोग भी उसी तरह बारियर्स बने रहे, वॉलंटियर्स बने रहे। इन लोगों ने भी आप यकीन मानिए कि हमारे साथ पुलिस के दायित्वों का निर्वहन किया। जीवन रक्षक के रूप में ये उतर के आए। इन्होंने ड्राई राशन, आज सम्मान भले ही ये कर रहे हैं, ये भी एक इनका बहाना है, बाकी सम्मान तो इनका भी होना चाहिए ऐसी संस्थाओं ने। और जाहिर सी बात है सभी संस्थाओं ने, ऐसी सभी संस्थाओं ने ड्राई राशन और लोगों के पास पहुँच पहुँच कर अपनी परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना इन लोगों ने भी दौड़ दौड़ के उन लोगों को, भूखे पेटों को भोजन दिया है। तो मैं इन सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से इनका सम्मान, मौखिक सम्मान करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुभाष भाई साहब और अन्य सभी हमारे अवध नारायण वकील साहब, राजीव जी वकील साहब का, इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप काम तो कर गए और ऊपर से हमारा भी सम्मान कर रहे हैं, कभी खुद का सम्मान भी ले लीजिए। तो मैं तो वाकई में इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश मानव अधिकार संरक्षण परिषद के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानी कमलनाथ जी, सम्मानी सज्जन सिंह वर्मा के निर्देश अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी सुभाष भगत जी के नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मी, नगर पालिका कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, कोरोना काल के योद्धाओं का। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी चीज़ें बताई, लेकिन हमारे शहर के लिए बहुत एक काले दिन थे जो निकल गए, और एक बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि TI साहब रात दिन घूम रहे थे अपनी टीम के साथ। वो उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा छोटा सा नन्ना, वो पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने शहर पे नज़र रखी, बराबर लोगों की मदद की और लोगों को हिम्मत देते रहे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परिवार में मेरे संकट है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। ये सम्मान वास्तव में सम्मान के लायक नहीं है, ना हम सम्मान कर सकते, ये तो भावनात्मक सम्मान है। और हम गौरवान्वित हैं कि आपके साथ बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सुरन शहर की मीडिया है, हमारे सम्मानीय सभी लोग हैं। और हम यही चाहेंगे कि मतलब इसी तरह पुलिस टीम का और TI साहब का, SDP साहब का, सभी का शहर में इसी तरह सहयोग मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सम्मान की धन्यवाद। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।